उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे के बाद से अंधेरे में फंसी 40 जिंदगियों को बाहर निकालने के लिए 60 घंटे से लगातार इसके ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन रह रहकर सवाल यह है कि आखिर सुरंग में फंसी सांसों पर संकट कब तक रहेगा। हालांकि उम्मीद है कि जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा, मगर इन सब पहलुओं के बीच कई सवाल भी निकलकर सामने आ रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। सुरंग में फंसी 40 जिंदगियां, साठ घंटे से चल रहा ऑपरेशन टनल, ऑपरेशन पाइप बचाएगा जिंदगी। सवाल, सांसों पर संकट कब तक। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे में 40 मजदूर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में कितना वक्त लगेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं। बदले पैटर्न के आधार पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में 900 mm के स्टील के पाइप डालने का काम हो रहा है और उम्मीद है कि रेस्क्यू पूरा होने में अभी एक दिन का वक्त और लग सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम बड़ी मशीनों को लगाया गया है। सभी मजदूरों के लिए पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन, खाद्य सामग्री और पानी भेजा जा रहा है। टनल में जिस जगह पर मजदूर हैं वहां करीब 5 से 6 दिन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है। ये तो है रेस्क्यू ऑपरेशन की तमाम जानकारियां, लेकिन ग्राउंड जीरो से टनल ऑपरेशन को कवर कर रही जी मीडिया की टीम ने जब इस हादसे की पड़ताल की तो चौंकाने और हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। टनल के जिस हिस्से पर काम चल रहा था वहां सीमेंट की टनल नहीं थी और टनल निर्माण के दौरान नियमों की भी खूब अनदेखी हुई। ग्राउंड जीरो से हकीकत की पड़ताल देखिए। उत्तरकाशी के सिलकारा के टनल में जहां मजदूरों के रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है, वहीं आपको ये आज दिखाते हैं कि आखिर में जो टनल का निर्माण हो रहा था उसमें कहां पर लापरवाही की गई है। सबसे पहले टनल को आप देखिए, 200 मीटर तक ये टनल पूरी तरह से सीमेंटेड है, पूरी तरह से ये कहें कि बनी हुई है, लेकिन इसके आगे टनल में अभी इसका प्लास्टर होना, सीमेंट होना बाकी था और उस दौरान क्या सुरक्षा के मानक होते हैं उसको अपनाया जाता है। ये बताया जाता है कि जहां पर ये टनल पूरी तरह से कच्ची रहती है, यानी कि इसमें सीमेंट नहीं हुआ रहता है, वहां पर किसी तरह के अगर कोई अनहोनी हो और सुरक्षा के मद्देनज़र ये जो सामने आप सीमेंट की पाइप देख रहे हैं ये पाइप होती है और इसको लगाकर रखा जाता है ताकि अगर कोई भी अनहोनी हो, किसी तरह से कहीं भी लैंडस्लाइड हो जाए या मलबा आ जाए तो इससे जो वहाँ पर वर्कर्स हैं वो अपने आप को संभाल भी सकें और सुरक्षित हो सकें। लेकिन इस पाइप को निकाल दिया गया है, ये सुरक्षा के मानक में सबसे बड़ी गड़बड़ी है और स्थानीय लोग इसीलिए अब इस पूरे घटना को लेकर के इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। तो आप तस्वीर में देख करके अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये पाइप होती तो इस पाइप के जरिए सभी जो वर्कर्स हैं वो सुरक्षित बाहर आ सकते थे, उस इलाके में आ जाते कम से कम जहां तक ये पूरा टनल और सीमेंट का बना हुआ है। लेकिन अब बड़ा सवाल इस बात का है कि ये लापरवाही आखिर कंपनी ने क्यों की, क्या उनके अधिकारी इस बात को नज़रअंदाज कर गए, किसी खतरे को भी उन्होंने अंदाज़ा नहीं लगाया और ऐसे में जो वर्कर हैं उस इलाके में चले गए जहां पर अभी सीमेंट का ये पूरा टनल नहीं बनी है। और दूसरी बड़ी बात, आखिर इस पाइप को सुरक्षा के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी इसको क्यों हटा दिया गया। टनल हादसे में लापरवाही और सवाल दोनों खड़े हो रहे हैं। चलिए अब आपको मैप के जरिए इस हादसे की वजह को बताते हैं कि यह हादसा टनल से कितनी दूरी पर हुआ है और क्यों हुआ। टनल में फंसे लगातार अब
जो मजदूर हैं उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन आज आपको ये दिखाते हैं कि जो टनल का मैप है उसकी एंट्री कैसी है और कितनी डिस्टेंस पर वो फंसे हुए हैं जहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलना है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 0 है, ये 50 मीटर है, फिर 100 मीटर, 150 मीटर और ये 200 मीटर है। यहीं से ये जो टनल का पूरा पार्ट है, यहीं से कहें कि वो जो मलबा है वो आया है और ये 250 मीटर से लेकर 300 मीटर तक का ये जो दूरी है ये पूरा इसके बाद से स्पेस आता है, ये पूरा खाली है और ये तकरीबन 2 किलोमीटर तक अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं कि ये 2 किलोमीटर की दूरी तय होती है। तब भी 2 किलोमीटर से लेकर के ये 2200 मीटर तक अगर इस तरह से देखेंगे तो यहाँ तक ये पूरा टनल बन चुका है। और दूसरी साइड से ये जो टनल है ये आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो भी इसी तरह से 2 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है, केवल 480 मीटर की दूरी तय होना बाकी है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो पूरा टनल का ऑपरेशन है वो यहाँ पर चल रहा है और यहीं पर वो ड्रिल मशीन के जरिए उन मजदूरों तक पहुँचने की कोशिश हो रही थी। ये मैप है, इस मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं कि पूरा किस तरह का ये डिस्टेंस है, कितना लंबा है और यहाँ तक किस तरह से इसको अगर कनेक्ट होगा तो ये पूरा कनेक्ट होगा, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि मैप के थ्रू हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो किस पॉइंट पर है और उसमें कहां तक पूरा टनल बन चुका है और किस तरह से उन मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है। सुरंग में इस हादसे के बाद लगातार गिरता मलबा चुनौती बन रहा है, लेकिन राहत की बात ये है कि टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। लेकिन टनल के ऊपरी हिस्से से लगातार मिट्टी गिर रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस जगह टनल में ऊपर से मलबा आ रहा है वहां कठोर चट्टान नहीं है। टनल में फंसे मजदूरों की सलामती के लिए पूजा और दुआएं हो रही हैं। बहुत ही दुर्भाग्य वाली घटना है और 40 लोग जो अंदर फंसे हुए हैं वो अभी तक तो ये हुआ है कि उन तक ऑक्सीजन और भोजन के पैकेट वगैरह जा रहे हैं और इस बौखनाग देवता की ये कृपा है जो स्थानीय देवता है यहाँ का, इसकी ऐसी कृपा है कि उसने सबको सुरक्षित रखा हुआ है, वो बच रखे हैं अंदर। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सुरंग में धसाव होने से वहां फंसे 40 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। वहां चल रहे बचाव अभियान का निरीक्षण करके लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सुरंग में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की प्राथमिकता है। केंद्र से मदद मिल रही है ये तो ठीक है, लेकिन टनल हादसे के बाद लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब मिलना भी उतना ही जरूरी है। रामानुज, जी मीडिया, उत्तरकाशी।